रतलाम जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्या को लेकर कलेक्टर परिसर में धरना प्रदर्शन किया। किसानों की खाद्य की समस्या को लेकर ज्ञापन देने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर द्वारा ज्ञापन लेने नहीं पहुंचने की बात को लेकर अड़ गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ कलेक्ट्रेट में भी धरना शुरू कर दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भजन कर कलेक्टर परिसर में प्रदर्शन किया। एसडीएम के ज्ञापन लेने पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंप कर किसानों को खाद के लिए हो रही समस्याओं के बारे में जानकारी दी। यार देर लगा रहे तो गलत है, हम उनको ताकीद कर देते हैं कि 3 दिन के अंदर ट्रांसफार्मर बदलना चाहिए। जहां तक बात लेन देन की पैसे की है, आप अपने लोगों को बताइए, किसान भाइयों से भी निवेदन अपील है, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पैसा मांगता है, आपको प्रताड़ित करता है, परेशान करता है, उसकी शिकायत करिए, ठीक है ना। एक बार शिकायत करिए, आप नहीं होगा ना लेट, आप तो एक काम करो साहब, हमारी एक जो सबसे कम तनख्वाह वाला जवान है उसको वहाँ रोज ड्यूटी लगा दो, वो आवक और जावक कर दे, हमारी समस्या हल हो जाए, हमें एमपीबी वाला नीचे। आज रतलाम जिले के सारे किसान यहाँ पर इकट्ठे होकर माननीय जिलाधीश से मिलने के लिए आए थे, क्योंकि रोज रोज पेपरों में छप रहा है कि खाद की पर्याप्त मात्रा है, लेकिन हमारे किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। महत्वपूर्ण कारण यह है कि सहकारिता में 50% किसानों के खाते धारक हैं और उसमें से 50% ओडीयू है और उसमें से 15% ऐसे किसान हैं जो सोसाइटी में खाते और नेशनलाइज बैंक है। मतलब 10-15% किसानों को खाद दे रहे हैं और बाकी सरकार रोज कह रही है कि खाद पर्याप्त और गोदाम भरे हुए है, किसान को खाद नहीं मिल रहा है, कालाबाजारी हो रही है। डीएपी खाद पूरे हिंदुस्तान में आज 2400 रुपए की बोरी है और सरकार उसमें सब्सिडी दे रही है, इसलिए उपलब्धता कम करा दी है। हमारी ये मांग है कि नगद में खाद दे किसान और नगद काउंटर खोले, ताकि हमारे किसान अभी की जो फसल, आज हमारा गेहूं को खाद की जरूरत है, बटरफली को खाद की जरूरत है, इसलिए हम सब लोग यहाँ पर आए थे और उनसे मांग की है। 2 दिन में अगर वो चालू नहीं करते प्राइवेट काउंटर तो हम जंगी प्रदर्शन करेंगे, इसी के लिए आज सारे किसान हमारे इकट्ठे हुए थे। आज जो किसान सब आए हैं, लगातार गांव में अभी पानी की जरूरत है फसलों को, लेकिन ट्रांसफार्मर के नाम से एमपीपी किसानों को लूट रहा है। स्वयं एमपीपी का कर्मचारी गांव-गांव में जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं खेत खलिहान में, उनमें रात से आयल चोरी करवाते हैं और आयल चोरी करवाने के बाद वो ट्रांसफार्मर खराब होता है, खराब होने के बाद उससे उतारने से लगाकर उसको रतलाम लाने तक का खर्चा किसानों से लेते हैं और उसको बदलने के नाम पे 4-5 हज़ार रुपये उनसे वसूला जाता है। ये शिकायत माननीय कलेक्टर महोदय को भी की, प्रभारी मंत्री को भी की, लेकिन किसी ने अभी तक नहीं सुनी। किसान परेशान हो रहा है, स्वयं किसान अपने पैसे से व्यय कर ट्रांसफार्मर बाजार से खरीद कर लगाकर आज किसान अपनी पूर्ति कर रहा है। जेएसआर टाइम्स के लिए रतलाम से कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें जेएसआर टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।